नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 115 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.22% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 20,709 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 61.80% है। बुक वैल्यू 10.90 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.47% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी इसकी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है एंड बेसिकली किस चीज़ में है, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है एंड वैसे भी गवर्नमेंट, ये जो करंट गवर्नमेंट है, अगर यही नेक्स्ट टाइम आती है तो वैसे भी ये कंस्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो ये वैसे भी काफी अच्छी कंपनी है एंड काफी अच्छी इसकी ऑर्डर बुक भी है। 15-16 हज़ार करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक पहले से ही पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो ग्रॉस सॉरी पी रेशो मीडियम से छोटी सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा 98.92% हल्का सा हिला है, बट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। यहाँ पे एक पैटर्न भी इसने फॉलो किया है कि जो मार्च में आता है वो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। तो होपफुली अभी जो रिजल्ट आएगा मार्च वाला वो काफी अच्छा आएगा। जून में थोड़ा कम होता है, जून सेप्टेम्बर में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर में और बढ़ जाता है, उसके बाद जो आता है मार्च में वो काफी अच्छा आता है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने पहले भी जो एनालिसिस करी थी उसमें बोला था कि काफी मार्केट में अभी वॉलिटिलिटी चल रही है, तो उसको लेके शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे दुविधाजनक है कि हो सकता है कि हमें वॉलिटिलिटी के चलते नीचे का मूव मिले या कुछ हो। तो अभी के लिए देखिए तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों यहाँ पे ओपन होते हैं। यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप भी मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट, इस स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट भी आ चुका है। तो अभी के लिए अगर देखें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री मुझे लगता है यहाँ पे बनती है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 125 के आसपास के टारगेट लेके चली हूँ। उसका रीजन ये है, वहां पर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग लगभग 10% की जरूरत है, और छोटे टारगेट इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि 31 मार्च तक हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। एंड अगर मार्केट अच्छी रही एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है 116 की, ये इसने क्रॉस कर ली, 116.90, 117 की जो रेजिस्टेंस है ये इसने क्रॉस कर ली, तो मुझे लगता है बड़े आराम से ये इस 126 को पहुंच सकता है। हालांकि इतने भी छोटे टारगेट नहीं है, बट अभी मार्केट में रिवर्सल भी आया है एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो थर्सडे को जो वॉल्यूम आया था वो आया था 10 मिलियन के आसपास, एंड जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया है वो लगभग लगभग 11.5 मिलियन के आसपास आया है। तो वॉल्यूम भी बड़ा है, RSI के पास रूम भी है, निफ्टी भी अपने उस जो एक डिलीवर वाली सिचुएशन थी कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट पे थी, अगर उससे नीचे गिरती तो काफी स्टॉक्स में फिर से आ सकती थी करेक्शन, तो उस पॉइंट से निफ्टी भी ऊपर जा चुकी है एंड मार्केट भी थोड़ी स्टेबल हुई है। तो यूएस में भी थोड़ा सा S&P 500 एंड डाउ अपने हाई, उन्होंने ऑल टाइम हाई और बनाया था, एंड ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के पास वॉलीटिलिटी तो मिलती है, थोड़ी सी करेक्शन भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो मार्केट फिर से रेड में क्लोज हुई है। बट होप ऐसी है कि अभी थोड़ा सा हमें मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी मिल चुका है, तो उसको चलते यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट में लेके चली हूँ 126 के, एंड जब तक ये क्वार्टर एंड होता है तब तक के लिए मैं टारगेट यहाँ पे लेके चली थी 153 एंड 155 के बीच के। एंड जून के एंड तक मुझे लगता है कि जो इसने हाई बनाया था उसके आसपास ये ट्रेड करता हुआ हो सकता है, और वो है 176, 175 एंड 180 के बीच में हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें मेरे जून के एंड तक। ठीक है, एक बार हम BSE भी देख लेते हैं। तो BSE पे ज्यादा दिक्कत तो स्टॉक को इसलिए आ रही है क्योंकि 5% का इसका प्राइस बैंड है। एंड यहाँ पे न्यूज आई है उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूज जो ये 23 को आई है उसमें इसको लेके है कि यहाँ के जो अपॉइंटमेंट हुई है एक PC जैन एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज एज सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल 23-24। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट हुई है, इतनी कोई वो नहीं है, यहाँ पे बस उन्होंने बताया है उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है एंड रिलेशनशिप बताया है कि कुछ है या नहीं है। तो बेसिकली ऐसा कुछ कोई न्यूज नहीं है जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाइस एंड होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।